हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा काम का होने वाला है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि आउटर बेट पे पैसा कमाया जा सकता है, नहीं कमाया, मतलब पैसा मीन्स मतलब कि आप विन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे वीडियो नए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं गैम्बलिंग के खिलाफ हूँ, कि गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। कि कोई आदमी ये सोचे कि अच्छा ये सिखा रहा है तो सीख के पैसा कमा सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस एंड में रिजल्ट सबका जीरो ही होता है, तो जुआ छोड़ दो उतना बहुत बढ़िया है। तो अगर जुआ जब मैं छोड़ने को कह रहा हूँ, इसके खिलाफ हूँ, तो फिर मैं ये चीज़ें क्यों सिखाता हूँ कि जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। मान लो मैंने अभी ये वीडियो बनाया ही नहीं और मैं नहीं भी बोल रहा, तो भी कोई ना कोई तो खेल ही रहा है ना। तो जब वो खेल रहा और वो हार रहा लगातार, और रह गई बात कि उसको लोग बोले जुआ छोड़ दो, तो वो तो उसके माँ बाप बीवी बच्चे दोस्त भाई बहन सभी बोल रहे हो, खुद भी जानता है। मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि भी जब तक आप नहीं छोड़ पा रहे, आपको अकल नहीं आ रही है, तब तक आप लॉस में ना हो, छोटा मोटा प्रॉफिट में रहो, लॉस ना हो, ठीक है, इसलिए सिखाता हूँ। उस वजह से बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा भी बना लिया, ठीक है। मैं किसी भी तरह की रिकवरी का दावा नहीं करता हूँ, मैं किसी का भी आईडी से कभी नहीं खेलने वाला। मेरे को प्लीज़ अपनी आईडी के लिए मत, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि आप हमारा हम आपको आईडी दे रहे हैं, अपनी पैसा डिपॉजिट करके दे रहे हैं, आप खेलो। बॉस ऐसा मत करो, मैं किसी की आईडी से कभी भी नहीं खेलने वाला। मैं ऑनलाइन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं गैम्बलिंग के ही खिलाफ हूँ, ठीक है। और जब तक आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हो, सिर्फ तब तक के लिए सिखाता हूँ। और मुझे ना तो मैं आपके रिकवरी का दावा करता हूँ, ना मैं आपकी तरफ से कभी खेलूँगा, ये सब चीज़ें मेरे को प्लीज़ मत वो बोला करो। जो मैं सिखा रहा हूँ ईमानदारी से सिखा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि इसको सिखाऊंगा उसको सिखाने के पैसे लूँगा, एक पार्ट दिखाऊंगा और दूसरे पार्ट के लिए आपसे मेंबरशिप मांगूंगा, नहीं। मेरे नीचे ज्वाइन बटन आता है, ज्वाइन बटन में मैंने सिंपल सा लिख दिया, अगर किसी को लगता है कि आदमी अच्छा काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करना है, तो ज्वाइन बटन पर जाके क्लिक करके आप वो कर सकते हो, तो उसका कुछ पैसा यूट्यूब के थ्रू मेरे को मिल सकता है, या मैं लाइव आता हूँ सुपर जम्बू, और वो भी आपकी मर्जी है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, नहीं। आपकी मर्जी है तो देखो, नहीं मर्जी है तो मत देखो, ठीक है। तो हमने पिछली बार बात करी थी, तो मैंने बताया था कि एक के एक वाले पे आप ओवरऑल हमेशा माइनस में रहोगे, प्रॉफिट में नहीं आ सकते। एक के दो वाले पे आप प्रॉफिट में आ सकते हो। एक के दो वाले कौन से होते हैं? डजन और कॉलम। डजन और कॉलम, हमने लास्ट टाइम डजन की बात करी थी, कॉलम की हम आगे कभी बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा कैंडल दिवाली पे किसी सब्सक्राइबर ने हमें गिफ्ट किए थे, तो हमने यहाँ लटका के ये कैंडल इसमें जलाते हैं शाम के टाइम, ठीक है, वही टकरा रहा है बार बार। तो आप समझ गए कि एक के तीन में आते हैं डजन और कॉलम, ठीक है। तो अब मैं आपको आज का वीडियो कि आपने कोई भी डजन चुना या आपने कॉलम चुना, किसी आधार पर तो चुना होगा ना, कुछ तो आपका दिमाग होगा ना कि यार ये वाला मारेगा या इसके बाद ये वाला मारेगा डजन, तो इसको आपने डजन चुन लिया। मैं डजन कैसे चुनना है ये नहीं बताऊंगा, ये मैं बाद में कभी बताऊंगा। मान लो आपने अपने दम पे डजन चुन लिया, तो डजन में आपने कैसे नंबर निकालना है। अब डजन जब चुनो ना, तो फिर और कोई नंबर मत लगाना, फिर सीधा 12 नंबर पे ही फोकस करो। अब 12 नंबर में से कैसे सिंगल नंबर आपको निकालना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये इसको समझ गए तो आप अपना काफ़ी लॉस कवर कर सकते हो इससे, ठीक है। देखो, आपने 12 नंबर चुने, कोई भी चुने, फर्स्ट डजन, सेकंड डजन, थर्ड डजन, कोई भी कॉलम। हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गैम्बलिंग के अंदर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हिस्ट्री पे आपने फोकस करना है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको मिलते ही 15-20 सेकंड है, तो उसमें क्या आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आपका टाइम नहीं होता। फिर जब आपको वो 10-1 सेकंड बॉल घूमती है, तो आप बॉल को देख रहे हो, तो मेरा नंबर आया नहीं, अरे जो लगा दिया उसको छोड़ो, उस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ो, बॉल को मत देखो, तो जहां गिरेगी रिजल्ट आपके हाथ में आया नहीं। क्या होता है, आपको करना क्या है कि हिस्ट्री को पढ़ना। अब आपने फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि बीच का डजन आपने चुना और आपने देखा कि यार ब्लैक का फ्लो चल रहा है, मतलब वो कोई भी कलर जो है वो 3-4 बार रिपीट कर रहा है, मतलब एटलीस्ट 3 बार तो कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक रेड एक ब्लैक, ऐसा नहीं चल रहा है। अगर वो कलर रिपीट कर रहा है तो आपको लगा कि ये कलर मार सकता है, और पिछला एक नंबर लास्ट नंबर कलर आया था ब्लैक, या दो नंबर ब्लैक के लास्ट के, तो आपको लगता है कि एक और ब्लैक मारेगा, क्योंकि ये कलर को 5-5, 6-6 बार मार रहा है, तो ये तो पक्की बात है कि कलर मारेगा। और आपने सिलेक्ट किए हुए बीच के 12 नंबर, तो 12 नंबर में से 6 रेड नंबर हटा दो, मतलब डजन तो आपने लगाया, डजन में तो 6 रेड भी कवर है, 6 ब्लैक भी कवर है, उसको ऐसे ही रहने दो। अगर आपने डजन चुना है तो उसको नहीं छेड़ना, वो तो लग गई, वो तो 12 नंबर बराबर डिवाइड हो गया। पर अब आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए वो 6 ब्लैक नंबर पे जो बीच वाले डजन पे आते हैं, ठीक है, जो बीच वाले डजन पर ब्लैक नंबर आते हैं। यहां पर 13 से लेके 24 तक नंबर आते हैं, ठीक है।
हम मानते हैं कि आपने ये वाला डजन चुना, तो ये 12 नंबर पर आपने बेट लगा दी, 500, 1000, 100 जो भी आपका बजट है। इसके बाद में हमने यहाँ पे हिस्ट्री पे देखा कि वो ब्लैक कलर मार रहा है, मान लो यहाँ हिस्ट्री चल रही है, उसने मारा है 8, फिर उसने मारा है 8 के बाद उसने मारा है 11, ठीक है। तो अब आपको लग रहा है, और इसके पीछे और भी नंबर थे, मान लो जैसे कि 23 था, 23 से पहले 5 था, 5 से पहले 32 था, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो आप ये हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, आपने देखा, अब आपका ये अनुमान है कि ये बीच का डजन पे बॉल गिराएगी, और यहाँ पर आपने देखा कि ये कलर जिगजैग नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पर उसने 32 रेड, 5 भी रेड है, 23 भी रेड है, उसने मारा है जो नंबर मारे हैं उसने सारे रेड नंबर मारे, अब वो ब्लैक मार रहा है, तो कम से कम अगला नंबर ब्लैक मारेगा, और आपने अंदाज़ा लगाया बीच का डजन, तो अब बीच के डजन पे आपने ब्लैक कलर पे फोकस करना है। तो ब्लैक में आपके 6 नंबर तो गायब हो गए रेड वाले, अब आपको 6 नंबर चुनने हैं। तो 6 नंबर कौन से होते हैं, 13 होता है, 15 होता है, फिर उसके बाद में 17 होता है, फिर उसके बाद में 17 के बाद में यहाँ पर आता है 22 ब्लैक होगा, 20 ब्लैक होगा, और यहाँ 24 ब्लैक होगा। ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर पर आपने फोकस करना है, कैसे, 15, 22, 17 और 20। डजन आपने लगा रखा है, डजन को नहीं छेड़ा, डजन में सिंगल नंबर कैसे, तो आपने देखा कि रेड रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, तो आपका फोकस ये 6 नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर 1000 रुपये या 500 रुपये लगाए डजन पे, और 10 रुपये या 20 रुपये जो भी मिनिमम चिप है, ऑनलाइन में तो 5-5 रुपये की भी चिप होती है, 10 की 20 की होती, तो 20 आपने लगा दी, तो आपके टोटल 120 रुपये लगे, यहाँ पर आपने 500 रुपये लगाए। अगर आपके 500 रुपये लगाए और बॉल कहीं भी गिर गई डजन पर, तो आपको 500 के 1500 रुपये मिलेंगे, है ना, 500 जो आपने लगाए, 1000 रुपये मुनाफा, उसमें से ये आपके 120 रुपये कट जाएंगे। अगर 20 रुपये की चिप लगाई तो ये 20 रुपये, 120 रुपये आपके चले गए, तो चले गए किस में से, 1000 में से, तो भी आपको 880 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक। अब हम मान लेते हैं इनमें से बॉल गिरी, हमने ब्लैक 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 और बीच का डजन, तो हमने 20 इस पर लगाए, इस पर कहीं पर भी बॉल गिर गई, तो आपको कितने मिलेंगे, 500 के 1500 तो मिलेंगे यहाँ पे, प्लस आपको वो 720 रुपये, 20 रुपये के 720 रुपये मिलते हैं, 720 रुपये और मिल जाएंगे, ठीक है, 720 रुपये और मिल जाएंगे, तो 1500 और 700, मतलब आपके 500 और 120, 620 रुपये की बैठ के आपको मिलेंगे 2220 रुपये, क्योंकि ये आपने 6 नंबर फोकस किया। अब और डीपली उतरते हैं, 32, 5, 23, 8, 11, मतलब क्या कर रहा है, बीच का कॉलम मार रहा है, 32 है, 5 है, 23 है, 8 है, 11 है, तो मतलब बीच का कॉलम मार रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीच के कॉलम में अगर बीच का डजन आता है तो ये 2 नंबर मार सकता है। अगर 14 आएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा, अगर 23 आएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा, पर हमने ब्लैक और ये हिस्ट्री पढ़ते हुए हमने देखा, तो हम कह सकते हैं कि 17 या 20 मार सकता है, क्योंकि सेम कॉलम पर चल रहा है, ठीक है। हालाँकि जब इतनी बार कॉलम मारा है तो प्रॉबेबिलिटी है कि मार सकता है, क्योंकि 10-10 बार, तभी तो हम बोलते हैं ना 11 बार कॉलम मारा, क्योंकि उसके लिए पहले 5 बार तो पार करेगा, तभी तो 6ठी बार मारेगा, 6 पार करेगा तभी तो 7वीं बार, तो चांसेस है। तो अब इसमें मान लो आपने 20 यहाँ लगाए, और यहाँ पर आपने 40 लगा दिए, या आपने ये इस पर कम अमाउंट लगा दिया, इस पर इस तरीके से लगा दिया, स्क्वायर में लगा दिया, इसमें स्क्वायर में लगा दिया, इसको स्क्वायर में लगा दिया, इसको स्क्वायर में लगा दिया, तो आपके 80 रुपये लगे, पर ये इस पर आपके डबल कॉर्नर आ गया, इस पर भी आपका डबल कॉर्नर आ गया, या सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगाया और सीधा 20 रुपये यहाँ लगा दिया, या 50 यहाँ लगा दिया, ये कैसे हवा में नंबर नहीं निकाला आपने, आपने स्टडी किया है, रेड रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक मारेगा, अरे बीच का कॉलम चल रहा है तो रिपीट कर सकता है कॉलम, डजन तो है ही है, मतलब अब आपने पूरा फोकस 12 नंबर पे ही करना है। लोग क्या करते हैं, ये कॉलम लगा रहे हैं, इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, फिर साथ में ये भी लगा रहे हैं, फिर जीरो पे भी लगा रहे हैं, और जैसे ही बॉल स्पिन हो गई तो 2-4 नंबर यहाँ भी ठोक देते हैं। अब मालूम क्या होता है कि उनका वो आता तो पहले वाला ही नंबर है, जो उन्होंने अनुमान सही लगाया होता है वही नंबर आता है, पर प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाला वेस्ट हो गया, यहाँ वाला वेस्ट हो गया, जब इसको चुनना है तो इसको चुनो। जैसे इस कंडीशन के अंदर, इस हिस्ट्री के अंदर मैं इसको चुनता, क्योंकि क्या होता है जब सिंगल नंबर मारता है ना, जैसे 8 और 11 जो है फर्स्ट डजन में आते हैं, तो ये इसी में आता, तो मैं अगर मान लो मैं तो आउटर बेट खेलता नहीं हूँ, तो मैं 8 और 11
स्प्लिट करता, साथ में मैं इधर 30 लगा था, 30 8 और 11 के बीच में आता है, तो 30 को 27 30 के साथ भी लेता और इधर 33 36 भी लेता, मतलब ये 5-8 की तरफ जा रहा है, 5-8 5-8 5-8, ठीक है, 5-8 5-8 5-8 में भी ब्लैक नंबर, तो 5-8 5-8 में ब्लैक नंबर में क्या करेंगे हम, 24 लगा सकते हैं, 8 है 11 है, इधर पे हमारा 33 है, 33 की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना, ऐसे करके हम ज़्यादा 10 नंबर मार सकता है, 13 मार सकता है, 13 इसमें दो नंबर तो बीच वाले डजन में ही आते हैं, अगर कोई बीच का डजन निकालना चाहे तो उसको लगता है बीच का डजन आएगा तो 13-24 पर फोकस होना चाहिए, अगर कॉलम को देखे तो 17-20 पर फोकस होना चाहिए, ऐसे करके आपने अगर 5-7 नंबर निकाल लिए, 5-7 नहीं 3-4 नंबर भी जैकपॉट के निकाल लिए, जैकपॉट वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, डजन तो आपने सिलेक्ट किया ही हुआ है, आप ये करो चाहे ये करो, तो आपको एकदम बूस्टिंग मिल जाएगी, शायद वही जैकपॉट नंबर आपका विनिंग अमाउंट को क्रॉस कर जाएगा जो टारगेट होगा आपका और आप गेम बंद कर दोगे, उसके बाद मरवाएगा आपका लालच, क्योंकि एवरीथिंग इज माइंड गेम, वहाँ पर आप गलती कर दोगे, जीतना तो आप लोगों को आता है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आएगा, ओके गुड बाय, थैंक यू।